राजस्थान को राजनीतिक खबरों के लिहाज से देश भर में सूखे प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन बीते 5 वर्षों में राजस्थान की राजनीति ने वो रंग दिखाए जो किसी भी राज्य की राजनीति में अब तक नहीं नजर आई। चाहे फिर सत्ता के लिए अपनों से बगावत की बात हो या फिर दबाव में दिया गया इस्तीफा प्रकरण हो, विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर उनके दल बदल जैसे कई राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रदेश की राजनीति ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा का शासन है, ऐसे में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और फिलहाल देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। इस बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लगातार 2 बार से 25 सीटें हारती आई, वो इस बार अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है। वैसे तो कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद चुनावी परिणाम हमेशा से अच्छे नहीं रहे, लेकिन वर्ष 2020 में नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके नेतृत्व में हुए उपचुनाव व निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके उभरती है। डोटासरा के नेतृत्व में लड़े गए दरियाबाद के चुनाव में बीजेपी को जमानत जब्त हो जाती है और इसके बाद अखबारों की सुर्खियों से लेकर चाय की थड़ियों तक गहलोत और पायलट के अलावा डोटासरा का नाम भी लिया जाने लगता है। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि बीते 26 साल में अब तक जो नहीं हुआ था वो गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में हुआ है। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो 1988 के चुनाव में कांग्रेस 156 सीटें जीतकर सरकार बनाती है, लेकिन 2003 के चुनाव के समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा व्यास होती है और कांग्रेस केवल 56 सीटों पर सिमट जाती है। ऐसे में करीब 100 सीटों का नुकसान कांग्रेस को होता है। इसके बाद 2008 से 2013 तक कांग्रेस फिर सत्ता में आती है और डॉक्टर चंद्रभान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 2013 का चुनाव लड़ा जाता है जहां कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट जाती है। 2013 के बाद सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। इस दौरान पायलट के सामने 2014 का लोकसभा चुनाव आ जाता है जहां कांग्रेस 25 के 25 लोकसभा सीटें हार जाती है, लेकिन सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस वर्ष 2018 में सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पायलट के अध्यक्ष रहते फिर से कांग्रेस 25 सीटें गवा देती है। सचिन पायलट वर्ष 2018 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन 20 जुलाई 2020 को हुए मानेसर कांड के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां कांग्रेस ने बीते 26 सालों में जो नहीं हुआ वो परिपाटी कांग्रेस ने इस चुनाव में तोड़ी। बीते कई चुनावों में कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद 70 विधायक अब से पहले कभी जीत कर नहीं आए। ऐसे में इन 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी पीसीसी चीफ के नेतृत्व में 70 विधायक जीत कर आए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूरे प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव प्रचार में पहुंचे और संगठन के साथ साथ स्थानीय नेताओं के बीच भी समन्वय स्थापित कर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।